हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जिसमें हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एकदम लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पे हम आपके साथ ऐसा बहुत सारा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर करते हैं जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है कोरोना वायरस। तो दोस्तों, अभी हम लेटेस्ट आंकड़ों पे एक नज़र डालते हैं। आज के तारीख में दोस्तों कोरोना वायरस के अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद हो गई है ऑलमोस्ट 2,67,000 अक्रॉस द वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अराउंड 11,000 लोगों की डेथ हो चुकी है और ये जो कोरोना वायरस का जो डिजीज़ है ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। दोस्तों, अभी एक भी कंट्री ऑलमोस्ट ऐसी बची नहीं है जहाँ पे कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं है। और दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो सरप्राइज कर रही है सारे देश के लोगों को, जो भी एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सरप्राइज कर रही है कि अभी जैसे कि डेवलप कंट्रीज़ है, इटली, यूएस में अगर पॉपुलेशन का और जो नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अफेक्टेड है कोरोना वायरस से उनका नंबर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन अगर इंडिया में लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है फिर भी इतने कम केसेस क्यों हो रहे, तो ये नंबर काफ़ी सरप्राइजिंग है दोस्तों। अगर आप हम आज के तारीख में बात करें तो इंडिया में बस अराउंड 258 केसेस है कोरोना वायरस की, जो कि लोगों को बहुत सरप्राइज कर रहे हैं कि इतना कम आंकड़ा ये क्यों है। तो दोस्तों, इसका रीज़न हम अभी आपको बता रहे हैं, बहुत सरप्राइजिंग रीज़न है दोस्तों, क्योंकि अभी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया में जो कोरोना वायरस के लिए जो टेस्टिंग हो रही है उसका ही रेट कम है। इसकी वजह से चीज़ ये हो रही है कि कुछ कोरोना वायरस के ऐसे पेशेंट्स हैं वो अभी तक डायग्नोज नहीं हुए हैं और वो मार्केट में फ्रीली घूम रहे हैं और वो और लोगों को भी ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स दे रहे हैं। तो ये बहुत दोस्तों बुरी बात है, क्योंकि देखो आप जैसे कि देख पा रहे हो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इंडियाज कोरोना वायरस टेस्टिंग रेट्स आर अमंग द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी जो टेस्टिंग का रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है इंडिया में, जबकि हमारा पॉपुलेशन दुनिया में सबसे वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारा अभी दो नंबर पे हमारा पॉपुलेशन है आफ्टर चाइना। ठीक है दोस्तों, ये देखो द WHO इज अर्जिंग कंट्रीज टू स्टेप अप कोविड टेस्टिंग, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये बोल रहा है कि आपको COVID-19 यानी कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग है उसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। जिससे क्या होगा दोस्तों, जिन लोगों को ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, जो लोग ऑलरेडी अफेक्टेड है, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सकता है और उनको अलग रखा जा सकता है, जिससे वो और लोगों को ये डिजीज स्प्रेड नहीं करेंगे और वो लोगों को अच्छी खासी ट्रीटमेंट देके उनको भी रिकवर करके ये कोरोना वायरस की जो फाइट है वो जीती जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि टेस्टिंग के सेंटर्स बहुत कम है, बहुत कम लोग, अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बहुत भीड़ का इलाका है। अभी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो पर किलोमीटर पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इंडिया में, तो इतने रिसोर्सेस नहीं है दोस्तों कि इतनी टेस्टिंग कर सके। तो दोस्तों, ये एक बहुत सरप्राइजिंग थिंग है। अभी लोग देखो, व्हाई इज़ इंडिया टेस्टिंग सो लिटल, ये सारे रहने एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि इंडिया में इतना कम रेट क्यों है। बाय फॉलोइंग टू स्केल अप टेस्टिंग कोरोना वायरस इंडिया में हैव लॉस्ट क्रूशियल टाइम। ये देखो दोस्तों, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, यानी इंडिया ने अगर सही टाइम पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग का रेट नहीं बढ़ाया तो हो सकता है कि वक्त निकल जाए हाथ से और आगे जाके एक बहुत बड़ा धमाका हो जाए जिसमें बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस के लाइक वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाए। तो दोस्तों, यही एक चीज़ थी। तो दोस्तों अभी लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रही है, अभी हर दिन वो अपने जो कोरोना वायरस के जो टेस्टिंग के सेंटर्स है वो बढ़ा रहे हैं। अभी एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, सब जगह पे ऑलमोस्ट ये सारी फैसिलिटी वो इंस्टॉल कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कोऑपरेट करें। हम अभी जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें घर से ज़्यादा बाहर निकलना नहीं है, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करना है, तो दोस्तों ये गाइडलाइंस फॉलो करो। हमको अभी घर पे ही रहना है, घर से ही काम करना है, बाहर जाना नहीं है। हमारे दोस्तों रिश्तेदारों से अगर कॉन्टैक्ट करना है तो ज़्यादातर फ़ोन पे या वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है, क्योंकि अभी क्या है दोस्तों, बाकी सारे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत कम है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा हो भी जाते हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, लेकिन इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि अगर ज़्यादा लोग इससे सफ़र होते हैं कोरोना वायरस से, तो उनको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है दोस्तों।
ऐसी सिचुएशन ना आए, यही हम अभी दुआ कर रहे हैं। तो हम अभी वही बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप सेफ रहो, आप सारे प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए वो फॉलो करो, जिससे आने वाला खतरा को हम टाल सकते हैं। और कोरोना वायरस के ऊपर मेडिसिन सारे आने वाले, जल्दी ट्रीटमेंट आने वाला है, वैक्सीन की भी तैयारी हो रही है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है दोस्तों, आप वो ज़रूर चेक करो, जिससे आपको पता चलेगा अभी कितने टाइम में ये सारी चीज़ें आने वाली है और हम लोगों को कितने टाइम में ये कोरोना वायरस से छुटकारा मिलेगा, जिससे हमारी लाइफ वापस नॉर्मल हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी यही बताने वाले थे हम हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों। कोरोना वायरस के ऊपर हमने ऐसे बहुत सारा वैल्यूबल नॉलेज आपके साथ शेयर किया है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो ज़रूर देखो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसा लेटेस्ट नॉलेज लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में बस इतना ही था, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।